हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फाइनल एपिसोड ऑफ शो शिमला टूर। और अभी तो मैं तैयार व्यार हुआ हूँ नहा धो के, और अब नीचे वो होटल में ही बहन की नीचे जाके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फाइनल एपिसोड ऑफ शिमला टूर। दो दिन तो बहुत तगड़े गए हैं, अभी उसी होटल में है जो आपको कल दिखाया था, जहाँ कल इन्जॉय किया था। अब यहाँ से हम जा रहे हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जिम करेंगे, जिम भी दिखाएंगे, वहाँ का खाना पीना दिखाएंगे, पीना तो नहीं खाना जरूर दिखाएंगे। अब इधर जरा ब्रेकफास्ट करते हैं। तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बता दो। बाकी कॉल आ रहा है बंदी के, बात करते हैं। ये पहला बंदा देखा है जिसको इंग्लिश नहीं आती पर इंग्लिश गाने सुनता है। बता दे, मतलब बता दे लाइन का क्या कह रही है वो। मैं बहुत हाई हूँ। सॉरी भाई क्या दिक्कत होगी भाई। मन्नू नाने गया, उसके फ़ोन खुला हुआ था, मैंने स्टोरी डाल दी आई एम गे और फ़ोन डीएमपी मोड पे डाल दिया। जो भी मैसेज आएगा उसे पता नहीं लगेगा। अब बिजी रखूँगा उसे, थोड़ा प्रैंक हो जाएगा भाई, खुलासा हो गया। निकला इनके हाथ में फोन, मैं कहा क्या कर रहे हो, कह रहे पोस्ट। सॉरी बोल दिया था मैंने पहले ही। देख भाई ये नीचे फोन जिसका तो कह रहा था काफी पास हो, एक बार उसका मैसेज पढ़ जर्नल में कर दिया था मैंने, आई लव यू लिखा हुआ था। और एक तो भाई हम निकल रहे हैं होटल से सीधा चंडीगढ़। भाई कल वहां पे बहुत मजे मारे हैं फुल। तो भाई लोग चाहते नहीं कि हम घर जाए, हमारी गाड़ी फंस गई है, धक्का मारना पड़ेगा, टायर में फंस गई, टायर फंस गया बर्फ में। क्या कह रहे हैं भैया, चल भाई धक्का मारते हैं। ये देखो भाई टायर फंसा दिए इसने, पीछे टायर सीधा कर सबसे पहले यार। अब कर आओ सालो, अंकल जी एक मिनट पकड़ना, चले कम थोड़ी पैर भी तो स्लिप कर रहे हैं। बस बस इधर करो, घूमना फिरना है भाई, बस हो गया, घूमना फिरना है भाई यहाँ पे साइड सीन कर। हम घर जा रहे हैं अंकल जी, थैंक यू सो मच भैया ने मेरी हेल्प करी वीडियो बनाने के लिए। तो भाई निकलवा दी गाड़ी मैंने फिर, चलो। तो भाई अगर मैं उधर ना होता ना, गाड़ी बर्फ में ही फंसी रहती, इनको एक दिन और रुकना पड़ता। एक बार थैंक यू बोल दे, कम करके निकाल लेता, थैंक यू बोल दे एक बार। तेरी बहन की एहसान फरमोश, बोल साचे दरबार की। चलो भाई अब चंडीगढ़। क्या करेगा जिम में भाई, डेडलिफ्ट करेंगे। मैं तो भाई जो नई नई मशीन दिखेगी वो यूज करूंगा बस, और कुछ नहीं। बाकी अभी पेट्रोल रुकवाने रुके थे, बहन चौदह बात खड़े हुए हैं, जिम कैसे होगा। हो जाएगा पहुंच जाएंगे और दो घंटे में। चलो लेट्स गो। भाई साहब देख रहे हैं कितनी बेटी लग चुकी है अब तक, मोटा हिसाब किताब चल रहा है अभी। कितनी बेटी हो गई, कंट्री करनी पड़ेगी फिर। चार चार लाख रुपए की चार बार पॉकेट बना चुके हैं। अबे तमीज रख ले, दिल्ली से आया गंदा कर रहा है दूसरी जगह को। भाई हमारे साथ नहीं है ऐसा, कभी हुआ है कि दिल्ली की गाड़ी चंडीगढ़ में और ठुल्ले ना रोके, हुआ भाई कभी? हर बार रोकते हैं भाई, मेरा 500 था। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने अपने लड़कों को भेजा है, बात करो क्योंकि यार मैं उतरूं फिर भीड़ भीड़ लग जाए, अच्छा नहीं लगता ना। क्या हुआ भाई बताइए अभी, इसने दिल्ली की गाड़ी देख के रोका। हाँ क्या हुआ ऋषभ भाई? कुछ नहीं हुआ भैया, चूतिया बना रहे थे हमारे को। क्या कह रहे, अरे 500 दे दो वरना 5000 का चलान झेल लो। पर हमारा जवाब सुनो दिल्ली वाला, कोई नहीं 5000 वाला झेल लेंगे, हमारे भाई साहब है। किस बात का होगा भाई, हमने कुछ करा ही नहीं, साड़ो दिल्ली से है बहन चोद। तो भाई दोबारा आया था और इसको हमने पूछा अब क्यों रोक रहा है,
तो बहाना देखोगे ना वो जाली लगी है जब हम आगे से पड़े हो तो कंपनी फिटेड है उसका ये तंग करना बंद करो अच्छी बात नहीं है ये बाहर की गाड़ियां देखते ही तुम रोक लेते हो व्हाट इज दिस तो भाई एक बार दोबारा से रोक लिया गया हमें भाई वो बंद ये देखो भाई शक्ल से ही जेब कतरा लगता है रोक लिया इसको है ना तो भाई तो दो बार व्हाइट वालों ने एक बार खाकी वाले फ्रेंडली थे विद मिलिट्री हां विद मिलिट्री और रोका क्यों ये सामने मन्नू बैठा है ना तो ये सारा शक्ल से ये डाल के बैठा है तो ऐसे शूटर पंजाब का लग रहा है चलो अब फाइनली जिम जा रहे हैं 2 मिनट की दूरी है देखते हैं कोई एक और रोकता नहीं रोकता तो भाई फाइनली चंडीगढ़ आ गया करण भाई ने जिम का जुगाड़ करवा दिया क्या हाल है भाई बढ़िया बढ़िया थैंक यू भाई जिम का जुगाड़ करवाने के लिए अब जिम चलते हैं फिर दिखाते हैं खुल्ला डुल्ला है पूरा पार्किंग है क्या नाम है भाई आपका भाई वॉशरूम देखो इतना तो दिल्ली में जिम होता है भाई फुल तैयारी हो गई है जिम में तबाही मचाने के तो भाई फाइनली अब यहाँ पे बातें बातें करके थोड़ी जा रही है जिम करने और वर्कआउट दिखाता हूँ मैं तो जो अच्छी अच्छी मशीन दिखेगी वो सब करूँगा जिम देख के तो दिल खुश हो गया है ना लाइटिंग वगैरह चलते अब भाई ये सारा कार्डियो है जो अपने काम का नहीं है अभी तो भाई ये देखो ये जो पीछे है ना दिख नहीं रहा होगा एक मिनट दिख रहा है तो वो क्रिकेट स्टेडियम है मोहाली वाला और यहाँ पे जिम है जिम का नाम क्या भाई बर्न जिम बर्न तो भाई काफ़ी दिन बाद ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसलिए मैं 5-10 मिनट ट्रेडमिल करूँगा ताकि बॉडी थोड़ी हीटअप हो जाए सीधा वेट ट्रेनिंग करना भी सही नहीं रहेगा और मतलब एक अच्छा सा वार्म अप हो जाए तो चलो आज खाली पंप वर्क करूँगा क्योंकि भाई ट्रैवल वगैरह कर रहा था थका बड़ा हूँ पंप वर्क हाई रेप वगैरह मारे बट जब कभी भी एक रूल है मेरा किसी दूसरे जिम में जाओ तो पता लगना चाहिए कोई बंदा है इसलिए एक हैवी मूवमेंट तो करनी पड़ेगी तो डेडलिफ्ट मारेंगे डेडलिफ्ट हैवी कार्डियो का जो सेशन था वो तो ऊपर था उसके बाद भी बंदे को नीचे आके वार्म अप वगैरह करना उसके लिए और एक एक बढ़िया बढ़िया चीज़ है और जो मशीन है इधर आएगा उधर सारा फ्री वेट है और अच्छी अच्छी मशीन है जहाँ पे प्लेट वगैरह लगा के कर सकते हो तो वर्कआउट करता हूँ दिखाता हूँ सारा हो गया पहली बार देख रहा है क्या वो तो जिम में देखा है चलो भाई अब ऊपर चलते हैं थैंक यू
तो भाई वर्कआउट तो डन, अपर बॉडी करी है, पंप पंप कर लिया, कैसा लगा भाई करके? चलो भाई अब चलते हैं कुछ खाने पीने, बढ़िया अपर बॉडी पंप कर ली, 3 दिन बाद वर्कआउट करके क्या दिल को सुकून मिला है। भाई ऑल सेट, कपड़े वपड़े दोबारा बदल लिए, अब चलते हैं कुछ खाने पीने। चलो जी, पाजी तो कह रहे थे जाम वाम की, वो जरा अवॉइड करते हैं हम। तो भाई अब आ चुके हम चंडीगढ़, कौन सा सेक्टर है? 35 भाई लेके आया, अब यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे, इसके बाद भाई लेके जाएगा जहाँ पे चंडीगढ़ की ब्यूटी दिखेगी, यहाँ पे माल होता है। यार डालता ये भाई है, नहीं बोलना बंदे ऑफेंड होंगे ने की कह रहे बंदे की पहन। तो भाई मैंने यूट्यूब पे देखा था पाल ढाबा, मेरे को काफी बंदे कह रहे थे वहाँ जाइयो, भाई लेके गया वो थोड़े मतलब पोस्ट टाइप की फैंसी चीजें थी, मैंने कहा वहाँ नहीं जाना यार, पाल ढाबा चलो सरदार जी के हाथ का खाना है। हाँ कुछ देसी खाने का मन कर रहा है, पंजाबी फील वाला पूरा, घर वाली फील आ रही है यहाँ पे। चलो भाई पाल ढाबा, कौन सा सेक्टर है ये? 28 सेक्टर थे, पाल ढाबा थे, पहुँच गए यहाँ, ये हूँ खावांगे, जो खाऊंगा दिखाता हूँ भाई। इधर ना मैंने पंजाबी में गाली देनी चालू कर दी है, तो जो भी गाली होती है जैसे पैनचोद उसको मैं कहता हूँ पैनचोद को पंजाबी में क्या बोलेंगे भाई? पैनचोदा। हाँ पैनचोदा। हाँ और बटर चिकन, मगज ब्रेन, कीमा कलेजी, मटन। आ गया जी, ये आ गया स्पेशल तंदूरी, ये आ गया अफगानी, और अब खाएंगे पैंती। अब तुम्हें बस एक बार बटर चिकन दिखाऊंगा फिर मैं खाने लग जाऊँ, हाथ गंदे हो जाएंगे। सॉरी लो जी, लो फुल मक्खन में लोडेड है अंकल जी। अब हम पेल रहे हैं और इसके बाद मिलेंगे, मेरे से एक्सपेक्ट मत करना मैं खाते हुए दिखाऊँ क्योंकि मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं, फुल देसी पैंती। ठीक है भाई, लास्ट मैन स्टैंडिंग, इधर देखो। तो भाई अब मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ खाने का, दिल्ली में सच्चा मिलता है। रेट रेट कर, रेट कर, रेट कर, आउट ऑफ टेन 7। तो ये मैंने 5 कर। दिल्ली में शिमला से ज़्यादा ठंड पड़ती है, दिल्ली में शिमला से ज़्यादा ठंड। पागल है क्या? नहीं खाना ठीक था ये, यूट्यूब पे भाई दिखाते हैं इतना मक्खन डाला, हालांकि वो खुद बना दिया, हमारा नॉर्मल बटर था। चलो कोई नहीं, बढ़िया था खाना, बट स्टिल दिल्ली जैसा टेस्ट तो मिल ही गया, मतलब हाँ थोड़ा अच्छा पहाड़ों के बाद तो बहुत अच्छा लगा। बाकी अब चलते हैं। तो भाई जो अपना भाई है बड़ा रंगीन आदमी है, पूछ रहा तुमने पीनी है, हमने कहा भाई हम नहीं पीते, कह रहा चलो फिर मैं अपनी ला ना पीवा। कह रहा हमने तो पीनी, हम पिए। ये देखो 85,000 की, 85,00,000 की गरी लेंगे। चलो ठीक है, खुश हो गए। ये मार्केट है, सीधा ने तो ठेका आ गया। ओके भाई, फुल एंजॉय करा आज, बड़ा मजा आया आपके साथ, बड़ा मजा अच्छा लगा मिलके आपके साथ, फुल गेड़ी वेड़ी मारी, एंजॉय करा, जिम करा, चले जिम नाल जाम, सब हो गया। अब मिलते हैं भाई से दोबारा, चंडीगढ़ आएंगे अब तो। ओके भाई, तो अब तुम्हें दिल्ली जाके भाई बोलता हूँ सबको। थोड़ा बहुत दिख रहा है, भाई ये पीछे दिख रहा है ये सारा कोहरा, और अभी हम पहुँचे हैं करनाल, तो इतनी फटी में आए हैं ना चंडीगढ़ से, मतलब पहले तो रास्ते में भटक गए थे, मतलब 1 इंच आगे भी बंदा नहीं दिख रहा था कोहरे में, ऐसे मैं तो उतर गया था गाड़ी से, मैंने भाई तुम जाओ मैं नहीं जा रहा। फिर उसके बाद बस वो ट्रक वाले ने बताया कि हल्की सी आगे हाईवे है, वहाँ पर लाइट जलती रहेगी, डिम लाइट, तो आप आगे जा सकते हो। तो वहाँ से खींच खींच के भाई, 1 सेकंड भी नींद नहीं, आंखों में नींद भरी हुई थी, फिर भी आगे खोल के मैं बस व्यू देख ही जा रहा कि आगे वाली गाड़ी दिखती रहे, आगे वाली गाड़ी दिखती रहे। करते करते अब करनाल पहुँचे हैं, और बहुत फोग है, बहुत ज़्यादा, तो मैं दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, पर मतलब लगा लो ये जो पीछे गाड़ी है ना, ये भी नहीं दिख रही थी, ऐसा फोग था। और अब यहाँ से फ्रूटी पीता हूँ, फिर गाड़ी में बैठ के सो जाएंगे। भाई मैगी मिल गई है इधर, तो मैंने कहा मैगी भेज लो जरा। पाजी का भी चैनल है, की ना है पाजी? गुरदीप सिंह ब्लॉग। की करते हो? ब्लॉग बनाना। कुकिंग? अच्छा नहीं, किस किस टाइप का जॉनर? क्या मतलब मैं भी कर दे विच जब फैमिली दे नाल बना ले कदी। अच्छा पाजी दा चैनल सब्सक्राइब कर दो, की ना है पाजी दोबारा बोल दो? गुरदीप सिंह ब्लॉग। ओके पाजी, ऑडियंस देखेगी फिर तुम्हारा ब्लॉग। कैसी है मैगी? ओके भाई, चलो भाई मैगी खाते अब, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई ये है पाजी का चैनल, कितने सब्सक्राइबर है पाजी अभी? अभी 40 है। पाजी के 100 पूरे करा देना जब वीडियो आ जाए, ठीक है? सेंचुरी करवा दो। सेंचुरी करा देंगे पाजी की, और पाजी ने नया नया काम चालू किया ब्लॉगिंग का, तो दिल खुश हो जाए पाजी का लगा रहा है। अजी तो बड़े स्वीट आदमी है यार।
मतलब बड़े बड़े ढाबों में चले जाओ, वहाँ पे ऐसी हरकत नहीं करते। 400 रुपये का हमारा बिल आया, पाजी कह रहे 300 दे दो डिस्काउंट, पाजी ले ही नहीं रहे 100 रुपये। कोई नहीं, यूट्यूबर यूट्यूबर का काम है। हाँ, यूट्यूबर यूट्यूबर के काम आएगा। पाजी का चैनल सब्सक्राइब कर देना, पाजी बड़े स्वीट है। मतलब भी पाल ढाबा वाल ढाबा कहाँ कहाँ गए थे, वहाँ पे किसी ने ऐसी हरकत नहीं करी। पर ये दिखा रहा हूँ, दिल दिल की बात होती है इनके लिए। 100 रुपये मतलब बड़ी बात है यार, फिर भी इन्होंने डिस्काउंट कर दिया 100 रुपये का, और बाकी बंदे करते नहीं। तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, बंदा मेहनत कर रहा है रात को जाग जाग के, 3:30 बजे हाईवे पे खाना खिला रहा है लोगों को, और फिर अपना यूट्यूब पे कंटेंट भी बना रहा है, तो थोड़ा सपोर्ट कर दो। एक महीने बाद भाई ये है ढाबा, केसरी स्टार ढाबा। तो कभी आओ तो पाजी से ज़रूर मिल के जाना। भाई ये हमने ट्रिप पे लेके गए हैं ना, ऐसा लग रहा है कि बवासीर ले गए साले के। इतने नहीं जाऊँगा भाई, अगली बार मत जाइयो, जल निकल। चलो भाई आ गए घर। हथौड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी 3 बटन।